गाइस बहन मम्मी को खिला रही है और आज बहन सोई नहीं थी, इसके लिए मम्मी तब काम करके आती है ना, तो बहन जब मम्मी मेरे मस्त लग रही है, मेरी मम्मी सुंदरिया लग रही है, खूबसूरत लग रही है, और मम्मी ने जींस पहनी है। मम्मी काम करके देखिए पूरा घर संभला दिया, चपला दिया, और ये देखिए हमारी लाडो सो रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरी 2 मंथ्स की बेटी है और उसके साथ जो मेरा रूटीन है वो कैसे रहता है, मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ। हर महीने को हिल रही हूँ तो कैमरा भी हिल रहा है। मैं भूल गई कि मुझे ना ऐसे खड़े होकर आपसे बात करनी है। दिख रही हो गाइस बहन मम्मी को खिला रही है और आज बहन सोई नहीं थी, इसके लिए मम्मी तब काम करके आती है ना, तो बहन जग जाती है। मम्मी क्या कह रहे तू कि बहन मम्मी को खिला रही है? हम लोग सो गए थे, नींद आ गई थी, मतलब नींद तो मुझे बहुत ही जाती है, पर ना मुझे अनमोल ये क्या है हम थोड़ी देर लेट गए थे, मतलब मेरी जैसे मैं लेटती हूँ ना आरू के पास आके तो ना बिल्कुल नींद आ जाती है, फिर उठने का मन नहीं करता है। लेकिन आरू जो है उसको ये रहता है कि मामा बैठी रहे बस मुझे लेके, क्योंकि जैसे हम काम करते हैं और रात का टाइम होता है तो ना बच्चे भी कमर लेटे लेटे उगता जाते हैं, तो उसको ये रहता है कि मम्मा मुझे गोदी में लेके बातें करें, मुझसे खेले। अभी देखो पड़ी हुई है मैडम, ये देखो मुँह कैसे बना तो गाइस यहाँ पे आ गई हूँ मैं कपड़े सुखाने। बाकी जैसे कम कम धूप निकल रही है ना तो कपड़े सूखते नहीं हैं। और आरू के साथ क्या होता है, मेरा जैसे मेरा छोटा बच्चा है 2 महीने की ही अभी, तो जैसे कि अभी 2 गंदे हो गए तो वो एकदम धो के डाल दिए, फिर 3 गंदे हो गए, तो वैसे तो ऐसे चलता रहता है ना, तो सारे दिन कपड़े कपड़े धोना सुखाना बस यही रहता है। तो अब तो धूप सी थोड़ी थोड़ी होने लगी है, लेकिन हल्की हल्की होती है ना, और हम लोग ना ऐसे ही हाथ से सहन कर दिए हैं, सहन नहीं करे मतलब टांग दिए हैं, तो सूखते रहेंगे, कल धूप निकलेगी, कल बाकी सूख जाएंगे। अंदर पढ़ाई हो रही है इसलिए थोड़ा आवाज़ ही कम कर रही हूँ, और कुछ यहाँ पे पड़े हैं। और अभी से ना कोहरा होने लगा है, अभी से मतलब दोपहर से ही कोहरा होना फिर स्टार्ट हो जाता है एकदम से। बाल बना लूँ अपने, और यहाँ पे बना रही हूँ मैं खाना, और आज खाने में बन रहा है आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है उधर दूसरे चूल्हे पे, और यहाँ बना रही हूँ मैं पूड़ियाँ, क्योंकि आज ना सकट था तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि इजी ना पकवान बनता है। वैसे मुझे पूड़ी नहीं पसंद, लेकिन इस विंटर सीजन में हाँ पराठे खाना हमारे घर में सब पसंद करते हैं, लेकिन जब मम्मी ने बोला कि ये त्यौहार है इधर इस पर पकवान ही बनता है, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं पूड़ियाँ ही तल देती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे और त्यौहार का त्यौहार ही हो जाएगा, तो आप लोग भी खा लीजिए गर्म गर्म पूड़ियाँ के। उसके बाद मेरा खाना बन गया था, तो इतना दिव्यांश को ले रखा था उसके पापा ने, तो मैंने सोचा चलो मैं बिस्तर सेट कर देती हूँ, बिस्तर लगा देती हूँ, फिर ये बिस्तर सेट हो जाता है ना, बेड अगर सेट हो जाता है ना, तो आपका पूरा घर का जो रूटीन है ना वो एकदम चेंज हो जाता है, माहौल अच्छा सा लगता है। अगर आपका बेड ही मैसी है ना तो फिर बहुत अजीब सा लगता है, फिर ये लगेगा कि घर ना एकदम भरा भरा सा रखा हुआ है, गंदा हो रखा है। और यहाँ देखिए ये ऐसे ही करवाते हैं, क्या था कि जैसे धूप कम निकल रही है ना तो इनका अंडरवियर वगैरह बहुत सीले सीले से हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इन पे ना गरम प्रेस मार के इनको गरम कर दिया जाए, तो बस मैं इनके कपड़ों पे और आरू के कपड़ों पे मार रही थी ना, तो फिर मैंने सोचा चलो इनका अंडरवियर भी मैं सुखा देती हूँ, और शायद बहुत से घरों में ऐसा होता होगा कि प्रेस वगैरह लगा के ही ये चीज़ सूखते होंगे। Thank you.
मेरा बच्चा इतनी ठंडी में भी नहा लेता मेरा बच्चा तो है तो गाइस यहाँ पे मेरी आरू सो गई थी, तो उसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ। बस मेरा लास्ट काम यही है कि पोछा रह जाएगा, पोछा हो जाता है ना फिर मेरे पूरे घर का काम फिनिश। और हाँ गाइस, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप अपने बेबी को कौन सा दूध पिला रहे हो, किस कौन सा मिल्क देते हो, तो मैं अब इस पर मैंने वीडियो बनाई है। ये वीडियो शायद एक दो दिन में आ जाएगी कि मैं अपने बेबी को कौन सा मिल्क देती हूँ। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हो, और उसके लिए बहुत बहुत आभार कि आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो। थोड़ा सा सपोर्ट और देंगे तो देखिए जो मेहनत है ना वो सफल हो जाती है, क्योंकि आपको पता है एक छोटी सी बेबी के साथ ना वीडियो बनाना, घर संभालना, बेबी को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं तो यहाँ पे देखिए बेडरूम में पोछा लगा लेती हूँ। यहाँ मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं, पर अनमोल तो कभी सोता नहीं, आरू को मैंने सुला दिया है। अनमोल हमेशा बैठे बैठे नहीं खेलता रहता है, उसको नींद ही नहीं आती है, पता नहीं क्या है वो। बस रात में उसे जल्दी सोना होता है और दिन में तो बिल्कुल भी नहीं सोता है। तो यहाँ देखिए बेडरूम में पोछा लग जाएगा, पूरा घर नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और बच्चे वाले घर में ना आप अपने घर को जितना साफ़ सुथरा रखते हैं ना, बच्चे को साफ़ सुथरा रखते हैं, उतना ही आपके लिए भी अच्छा रहता है और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा रहता है। तो मेरा यही रूटीन रहता है हमेशा, और रोज़ का मेरा यही रूटीन होता है जैसे मैं आपसे शेयर करा है। और कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि दो दो बच्चे हैं और छोटा दो, मेरी बेटी सिर्फ 2 मंथ्स की है, तो उसके साथ मुझे काफ़ी हार्ड वर्किंग करना पड़ता है। तो बस अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना।